नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कल्पना ऑल इन वन पर। आज हम करेंगे अपनी योगा क्लास का पांचवा भाग, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप समावस्था में खड़े हो जाएं। हम कर रहे हैं भुज बंद शक्ति विकास क्रिया। मुट्ठियों को बंद कर लें, हाथों को सामने की तरफ फैला लें, कोनियों से हाथ को मोड़ कर आप ज़मीन के समांतर रखें, सांस खींचें, हाथ को कंधे के सामने ले आएं, मुट्ठी को पृष्ठ भाग सामने ही रखें, हाथों को पूर्व स्थिति में लाएं। इस क्रिया को कम से कम 5 से 10 बार दोहराएं। इस क्रिया को करने से भुजाओं व कंधों का दर्द मिट जाता है, आपकी भुजा मजबूत होती हैं, भुजाएं स्थूल रहती हैं और ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है आपके हाथों के लिए। अब इसके बाद हम कर रहे हैं कोहनी शक्ति विकासक क्रिया। अंगूठा छिपाकर मुट्ठी बना लें, कोहनियाँ कमर के साथ सटा लें। अब अपने हाथ के अगले भाग को कंधे तक इस प्रकार करें जिस प्रकार वीडियो में दिखाया जा रहा है। हाथों की मुट्ठी बांधने के बाद अगली क्रिया के लिए अपनी हथेलियाँ खोल दें और अब अपनी हथेलियाँ इसी प्रकार करें जिस प्रकार वीडियो में दिख रहा है। सांस को छोड़कर हाथ को पूर्व स्थिति में ले आएं। इस क्रिया को करने से आपकी उंगलियां मजबूत रहती हैं, कोहनियां आपकी मजबूत हो जाती हैं, कोहनियों का दर्द भी दूर हो, कोहनियों का दर्द मिटता है, हड्डियों के जोड़ भी मजबूत हो जाते हैं, कोहनियाँ सुंदर व आकर्षक बनी रहती हैं। अगर आपकी कोहनियों में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, बहुत ज़्यादा आप हाथ ऊपर नीचे नहीं कर पाते हैं, तो आप इस क्रिया को ज़रूर करें। इस क्रिया को करने से आपके हाथ, कंधे, भुजाएं, आपके हाथों की उंगलियां बिल्कुल अच्छी हो जाती हैं और स्वस्थ रहती हैं। यह बहुत हल्का योग है, कोई भी इस योग को कर सकता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जुड़े रहें कल्पना ऑल इन वन के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।